back in some time, so let's see. Cool. Transfer. साइलेंस जी आई थिंक होली की हमेशा से बहुत सारी स्पेशल मेमोरीज रही हैं यार. मुझे याद है कि हम तीन भाई हैं तो बचपन में हम एक रात पहले से गुब्बारे बनाना शुरू कर देते थे बिकॉज वो होता था कि यार और हम गिनते भी थे कि हमारे इतने गुब्बारे हैं कल सुबह के लिए. झगड़े भी होते थे तो वो बहुत स्पेशल मेमोरीज बॉन्डिंग की रही हैं हमारी थ्रू आउट. और आई थिंक एक बहुत स्पेशल त्यौहार रहता है बिकॉज रंगों का त्यौहार है तो आई थिंक वी एन्जॉय इट. मैं फैमिली के साथ कुछ साल मैंने यू नो फैमिली के साथ मनाया है मनाई है होली. उसके बाद पिछले दो सालों से हम पंचनामा की टीम के साथ मना रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ स्पेशल फीलिंग जी. गुब्बारों के जी नहीं बस जो टारगेट मिले वहाँ पड़ जाते थे गुब्बारे. कई बार हमें भी पड़ते थे कई बार हम भी दूसरों पे फेंकते थे तो आई थिंक वो बस एक 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 तरीके का मजा है तो बस एंजॉय करते थे. होली में हमने देखा है कि घर में घर का माहौल भी बहुत ही घर में बहुत सारी चीजें बनती हैं घर के लोग होली को जी ऐसी घर की कोई मेमोरी है या आप कितना सपोर्ट करते थे घर वालों के साथ. जी मुझे याद है नहीं मुझे ये चीज का बड़ा मजा आता था कि हर साल मम्मी कुछ अलग तरीके की मिठाई बनाती थी तो यू नो कई बार मैं बहुत एक्साइटेड रहता था कि आज इस होली पे क्या बनने वाला है. और रिश्तेदारों के यहाँ से भी यू नो मिठाइयाँ रंग वगैरह आते थे तो हम सब सुबह सुबह वेट करते थे. यू नो हमारे जो बड़े थे परिवार के वो गिफ्ट्स लेके आते थे हमारे लिए तो हमारे लिए एक एक्सक्यूज़ हो जाता था कि हाँ होली है तो हमें गिफ्ट्स भी मिलेंगे तो इट्स अ मतलब इट्स अ ग्रेट फीलिंग है. होली हमेशा ऐसा माना जाता है कि रंगों का त्यौहार है जी. आप कौन कौन से ऐसे कलर हैं जो आपके फेवरेट रहते हैं आपके काफ़ी करीब है कि हमें इन्हीं रंगों से खेलना है जी. गुलाल रंग हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है बट उसमें भी अब क्या है कि अब आप इको फ्रेंडली कलर्स होते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ. मुझे पिछले कुछ सालों में इको फ्रेंडली कलर्स आ गए हैं तो वो चीज़ बहुत अच्छी हो गई कि अब एटलीस्ट रंग आप अच्छे रंगों से खेलो. मैं उन्हीं से खेलता हूँ. मैं जब भी स्टॉल पर जाता हूँ खरीदने तो मैं आई मेक श्योर कि आई बाय द इको फ्रेंडली कलर्स. सो आप भी प्लीज़ उन्हीं से खेलिएगा बिकॉज दे आर ईजी टू रिमूव दे आर नेचर फ्रेंडली. सो हाँ इस बार हमने देखा है कि हमारे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है पानी को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट किया. जी एक्चुअली सही भी है बिकॉज दिक्कत हो रही है पानी की. आई थिंक वी ऑल डोंट रियलाइज दैट हाउ शॉर्ट वी आर रनिंग आउट ऑन वाटर. तो जहाँ तक हो सके पानी की मैंने बचपन की बात और थी हमारी भी कि हम भी काफ़ी खेल चुके लेकिन अब थोड़ा परहेज करना चाहिए बिकॉज यू नो आज तो हम खेल लेंगे आज हम हंस यू नो लेकिन कुछ सालों में जब दिक्कत होगी तो हमें नानी याद आ जाएगी. तो आई थिंक टेक केयर ऑफ दैट बिकॉज हाँ रहना हमें इस पृथ्वी पर ही है. अब जब आप हमारे फिल्म फ्रेटर्निटी का हमारे फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट है जी फिल्म इंडस्ट्री से आपने कहा कि प्रियंका पंचनामा की टीम के साथ में भी आपने होली सेलिब्रेट की जी ऐसी कोई मेमोरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ में. जी आई थिंक हमेशा से स्पेशल रही हैं मेमोरीज बिकॉज हम लोग कई बार परिवार के साथ शुरुआत में मनाते थे फिर यू नो पूरा दिन होता है होली का जो आप कुछ घंटे पहले अपने परिवार के साथ पूजा वगैरह भी होती है फिर वो भी कर लो यू नो तो आई थिंक डेफिनेटली मैं मेरी मतलब मैं किसी दिन ज़रूर एक इच्छा है कि मैं अमित जी की होली पे जाके उन्हें थोड़ा सा रंग लगाऊँ. आई थिंक वो एक मेरे लिए बहुत ही एक हैप्पी फीलिंग होगी. इस साल मैं पंचनामा की टीम के साथ शुरुआत करने वाला हूँ आई थिंक और हम लोग बहुत सारी मस्ती करने की सोच रहे हैं. बस ये ना हो कि वो लोग सुबह आके मुझे मेरे घर में नींद में से उठा के बिकॉज पिछली बार ये हुआ था कि हमारे ग्रुप में ही एक हमारी जो टीम थी पंचनामा की उसमें एक मेंबर को हमने जाके घर पे से जाके उठा के उसे रंग लगा के उससे बाहर निकाल के हमने पानी में डुबो दिया था. तो इस बार बस मेरे साथ ऐसा ना हो. आई थिंक जस्ट बी ट्राई टू बी कीप योर सेल्फ हैप्पी. आई थिंक एक मैं भी एक ये चीज़ अपने आप में यू नो हम हमेशा सोचते हैं कि
यार मेरे पास वो नहीं है जो उसके पास है, और यू नो हर लेवल पे आदमी वो सोचता रहता है. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट एंड बी ग्रैटिट्यूड, हैव ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स वॉट लाइफ हैज़ गिवन मी. यू नो पंचनामा की सक्सेस टचवुड बहुत अच्छी रही है सबके लिए, तो मैं बस शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि सक्सेस इतनी अच्छी तरीके से मिली है. हमेशा ऐसी बात करते हैं कि होली के दिन, होली के मौके पर हम अपने अंदर की सारी बुराइयों को निकालें और अच्छाइयों को, जो भी अच्छाई है वो कलरफुल करें. तो ऐसा इस दिन कुछ ऐसा सोचने वाले आप कि हम ऐसे? आई थिंक मेरे अंदर जो एक बुराई है जो मैं जो सुधारना चाहूँगा, आई थिंक मैं सोचता बहुत ज़्यादा हूँ. हाँ किस तो बारे में, किस नहीं, बस ऐसे ही मैं बहुत ही डीप थिंकर हूँ आई थिंक, और बहुत ज़्यादा सोचता हूँ. तो मेरी मम्मी भी हमेशा बोलती है कि तू मतलब दुनिया का बोझ नहीं है तेरे सर पे जो तू इतना सोचता रहता है. तो आई थिंक मैं वो चीज़ अपने बारे में थोड़ी सुधारना चाहूँगा. आई थिंक आई आई वॉन्ट टू इम्प्रूव दैट अबाउट माई सेल्फ. आई वॉन्ट टू थिंक लेस लेस टेक थिंग्स लेस सीरियसली अबाउट लाइफ एंड जस्ट एन्जॉय, या बी हैप्पी. जी मैं तो सतरंगी प्रोजेक्ट्स करना चाहता हूँ. मैं तो आई थिंक हर तरीके की फिल्म करना चाहता हूँ. सो हर शेड का कैरेक्टर करना चाहता हूँ. सो मैं तो बहुत ही ग्रीडी हूँ, तो मैं तो ऐसे रोल्स, ऐसी स्क्रिप्ट्स, ऐसी स्टोरीज ढूंढ रहा हूँ. तो डेफिनेटली जब जब मौका मिलेगा तो मैं तब तब हर तरीके की फिल्म करना चाहूँगा. होली के मौके पर हम देखते हैं, हम देखें जो सिंगर नहीं होते हैं वो भी गुनगुनाते हैं, और हर किसी जी का कुछ फेवरेट सॉन्ग है. जी ओमकार का ऐसा कौन कौन से गाने हैं जो होली के मौके पे ऐसे जी बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं. आने मतलब होली पे एक मुझे याद है कि पहला गाना हर बारी जब मोहल्ले में भी बजता था, बिल्डिंग में भी बजता है, या कहीं भी, वो रंग बरसे ही से ही शुरू होता है. आई थिंक वो एक आइकॉनिक सॉन्ग है होली का, उससे शुरुआत होगी. पर और रही बात गाने की, तो ट्रस्ट मी मुझे मत कहिए, यहाँ के कांच टूट जाएंगे. तो हाँ चलिए जाते जाते अपने व्यूवर्स को होली के जरिए कुछ मैसेज अगर आई थिंक जस्ट हैव अ ग्रेट होली यार. प्ले इट वेरी हैप्पीली एंड प्ले इट सेफ. यूज इको फ्रेंडली कलर्स एंड सेव वाटर. आई थिंक हमें दिक्कत है पानी की, आगे चल के और होने वाली है. सो जस्ट सेव सम वाटर एंड प्ले इट विथ स्वीट्स टू ईच अदर, गिव गिफ्ट्स टू ईच अदर. आई थिंक जस्ट प्ले इट हैप्पीली विथ योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच एंड थैंक विश यू यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू थैंक यू. कलर्स ले दो, कलर्स दे दे संजय. उड़ाओ मेरे से तो आएगा. एक और बारी.
wonder Vikas never invited me. One more, 8 seconds. Sir, wait one. Last. Unka hai? Yeah. Unka looking. Got it? Mila kuch? Bahut khush hai.